भाजपा ही नहीं सपा शासन में भी हमेशा चर्चित रहता है, क्योंकि कभी इसका गुमार कभी राजनेताओं के सर पर चढ़कर बोलता है तो कभी रामपुर के अधिकारियों के सर पर चढ़कर बोलता है। और ऐसा ही एक मामला सामने आया है रामपुर जिले की तहसील मिल्क से, जहां समाधान दिवस में न्याय की गुहार लेकर पहुंची युवती को उस समय एडिशनल SP सुधा सिंह की फटकार का सामना करना पड़ा, जब युवती ने तहसील मिल्क में पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई। इंसाफ न मिलने पर मिट्टी का तेल लेकर पहुंची युवती ने खुद को आग लगाने की बात भी कही। रेवाड़ी नानौर मार्ग स्थित कनूरा मोड़ के समीप करीब 32 वर्षीय एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने इस मामले में हत्या की आशंका जताई है, लेकिन पुलिस अभी इसे आत्महत्या मान रही है। बता दें कि राजस्थान का रहने वाला 32 वर्षीय अनिल पेशे से इंजीनियर था तथा निजी कंपनी में नौकरी करता था। पिछले एक साल से वह कनूका मोड़ के पास मकान बनाकर परिवार से दूर पत्नी के साथ अकेला रहा करता था। बीती रात उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जिला अशोकनगर के ग्राम पिपराई से जिला मुख्यालय तक बनने वाली सड़क पर सड़क के ठेकेदार की लापरवाही के चलते आज एक बड़ी दुर्घटना हो गई, जिसमें बाइक सवार इस पुलिया में अपनी गाड़ी सहित गिर गया। इस बनने वाली पुलिया पर शिवराज सिंह यादव ग्राम बंदी के रहने वाले का सड़क पर खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें मरते मरते बाल बाल बच गया है ये शख्स। जिला अशोकनगर के चंदेरी तहसील में पति की लंबी उम्र एवं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए महिला और युवतियों के द्वारा शिव पार्वती के स्वरूप गणगौर माता की पूजा बड़े ही भक्ति भाव से की गई, जो कि मध्य प्रदेश में चंदेरी का यह मेला बहुत प्रसिद्ध है। इस अवसर पर फूटा कुआं, जो कि चंदेरी में प्राचीन कुआं है, यहाँ से गणगौर शुभ यात्रा निकाली गई, जो कि नरसिंह मंदिर सदर बाजार कटरा मोहल्ला होते हुए रामलीला प्रांगण मेला ग्राउंड पहुंची। इस दौरान जगह जगह अपने घरों से निकलकर लोगों द्वारा पूजा अर्चना की गई एवं स्वागत किया गया।